अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और मुनफरिद प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है जाफर हुसैन और आप देख रहे हैं सुपरस्टार। जी हाँ, आज के मेहमान हमारी एक ऐसी रोशन सितारा हैं जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में बड़ा नाम कमाया। पाकिस्तान वुमेन टीम की ऑलराउंडर हैं, बहुत अच्छा खेलती हैं, बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखा चुके हैं पिछले दिनों और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा, उमैमा सुहेल हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने जियो को टाइम दिया, और ये बताइए कि ईद किस तरह मना रही हैं? ईद मेरी इस तरह से मनाई जाती है, हमारे उसकी तैयारियां, वैसे तो बहुत रश होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ईद से पहले ही या पहले अशरे में ईद की शॉपिंग वगैरह मुकम्मल कर लूँ, क्योंकि फिर बाद में मुझसे इतने रश में की नहीं जाती है। रश की बात आपने की, रश की कहीं वजह ये तो नहीं है कि आप सुपरस्टार बन गई हैं, लोग आपको पहचानते हैं, कहीं ये वजह तो नहीं है लोग ऑटोग्राफ लेने आ रहे हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ये नहीं है। मुझे शुरू से इतना वैसे रश में जाना पसंद नहीं है, और उस टाइम पर वो धक्कम धक्की और ये सब चीज़ें हो रही होती हैं तो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स माहौल में जाके शॉपिंग करती हूँ, या पहले कर लेती हूँ या पहले शुरू में कर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बचपन की ईदें किस तरह मनाया करती थी और आज की ईद में क्या फ़र्क महसूस है? अब बहुत फ़र्क है। बचपन में तो हम छोटे हुआ करते थे तो सब लोग के घर में जाते थे और एक जोश और जज्बा होता था एक ईद लेने का, बिल्कुल तैयार होके, टॉप्स पहन के, ज्वेलरीज पहन के, हर तरीके से तैयार होके सबके मोहल्ले में घरों में जाती थी मैं के ईदी देना। उस टाइम पे वो 10 रुपये 20 रुपये भी जो ईदी मिलती थी वो बहुत बड़ी खुशी की बात होती थी, वो उस टाइम का बात ही अलग होती है, अब वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ईद के दिनों में तैयारी वगैरह तो बहुत होती है, आप किस तरह की तैयारी करते हैं? सूट वगैरह खुद लेती हैं अपने, या मदर फादर वगैरह लेते हैं, शॉपिंग करने खुद जाती हैं, क्या करते हैं, किस टाइप के, किस कलर की आपको चीज़ें पसंद हैं? सिंगार ये एक ही इवेंट आता है जिसमें आप तैयार होते हैं और आप अपने आप को पूरा दिखाते हैं और उसमें सारे अपने शौक पूरे करते हैं, बाकी तो आप क्रिकेट में होते हैं तो आप उसी की फील्ड में आप ट्रैक सूट या सारे सन ब्लॉक वगैरह का होता है, तो यही एक इवेंट होता है जिसमें आपको प्रॉपर तैयार होने का मौका मिलता है, तो बहुत अच्छा है। किस तरीके से इस क्रिकेट के करियर को आपने स्टार्ट किया, क्या थी थोड़ी सी अपनी बचपन की यादें, बचपन से लेके जो है ना आज तक की जितनी जर्नी है इसके हवाले से शेयर करें? मुझे शुरू से अल्लाह का शुक्र है, पेरेंट्स की तरफ से और बाकी तरफ से बहुत सपोर्ट था, मुझे कोई वो नहीं था। एक ऐसा था कि मैं अपने स्ट्रीट में ही खेलती थी बॉयज़ के साथ, जिसकी तो हमारे स्कूल में मेरे सर मुशर्रफ पी टीचर होते हैं, बल्कि मैं इवन अभी भी उनके पास जाके सेशंस करती हूँ, तो हम खेला करते थे, मैं तब क्रिकेट बॉयज़ के साथ ही स्कूल में खेलती थी, तो एक मैं बहुत अच्छे शॉट्स मारती थी, तो एक दिन उन्होंने मुझसे बात करी कि तुम इतना अच्छा खेलती हो तो गर्ल्स की टीम में क्यों नहीं हो, तो मैंने उन्हें कहा कि सर मुझे बहुत शौक है लेकिन ऐसा है कि मुझे पता नहीं है और ना मेरे फादर को पता है कि कहाँ क्रिकेट होती है ना, 10 जोन्स होते थे, तो सर ने मुझे ट्रायल्स पे भेजा, तो वो उस टाइम उसके बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वो ट्रायल्स में मैं सेलेक्ट हुई, फिर अंडर 19 खेला, फिर रीजन खेला, बहुत दूर का नहीं सोचा था लेकिन उस टाइम शौक के उस पर मैं खेलती थी, लेकिन जैसे ही मैंने फिर बड़ी क्रिकेट जैसे अंडर 19 वगैरह खेलना स्टार्ट हुए तो वो और फिर मुझे अपना दिखने लगा, फ्रेम नज़र आने लगा कि मैं आगे जा सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, आगे लड़कियों की टीम है, तो फिर उससे मुझे शौक पैदा हुआ, तो फिर मैंने अपनी मेहनत ज़्यादा करी, उस मेहनत का सिला बस फिर। क्रिकेट करियर के हवाले से बताइए, पहला मैच डक पर आउट डोमेस्टिक में भी ऐसा हुआ फिर इंटरनेशनल में भी ऐसा हुआ, ये क्या था? ये बस मेरा पहला मैच था और ना उस टाइम ना आउट नहीं हो रहे थे, बारी नहीं आ रही थी, बल्कि सॉरी बारिश हो गई थी और मैं ना इतनी एक्साइटेड थी कि मैं कह रही थी कि अपने टीममेट्स को कि बस ये बारिश किसी तरीके से रुके, मैंने बैटिंग पे जाना है, मैंने बैटिंग पे जाना है, और वो बस डेब्यू ऐसा हुआ कि डक होते हुए बाद में आके मैंने कहा काश मेरी बैटिंग आती ही नहीं से अच्छा जितना मैं इंतज़ार में थी। उमैमा ये बताइए कि जब आप कौमी टीम में आई उस टाइम बड़ा कंपटीशन ज़्यादा था, काफ़ी बड़े नाम थे, उसमें अपनी जगह बनाना बड़ा मुश्किल था, किस तरह से अपनी जगह बना पाई? पहले ऐसा था कि मैं लाइक 7 नंबर या 8 नंबर पे ही खेला करती थी, तो बस ये था कि मैं उस टाइम चिप इन करती थी, ऐसे कोई बड़े रिकॉर्ड्स नहीं थे लेकिन टीम के लिए जितना मैं चिप इन कर सकती थी उस टाइम करती थी, तो बस वो उसी टाइम से आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा नंबर ऊपर हुआ, मेरी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस और नीचे भी जो मैं परफॉर्मेंस देती थी तो आहिस्ता आहिस्ता करके नंबर ऊपर हुआ,
तो जब वो अपने मेन जगह पे मैं खेलना स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पे मैंने परफॉर्मेंसेस दी। साउथ अफ्रीका में जितनी इनिंग्स आपने खेली, हर मैच में आप जो है ना विकेट पे जमी रहे हैं, लगता ऐसा था कि वहाँ की विकेटों से बड़ी वाकिफ हैं आप। वो तेज विकेट्स हैं तो मेरी प्रैक्टिस वैसे ऐसी होती है कि थोड़ा मैं तेज पे ज़्यादा अच्छा खेल लेती हूँ, तो इसलिए वो विकेट्स मुझे सूटेबल रही थी। और वो वहाँ आपको तो पता है उनके जो वो फास्ट बॉलर है तो वो तो और तेज़ है, तो वो ज़रा अच्छा बैट पे आता था, तो इसलिए मैनेजेबल हो गया था। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को टॉप 10 रैंकिंग्स में देखूँ ऑलराउंडर की और बैटर की भी। तो अभी तो लाइक सेमीफाइनल में अभी हमने अभी तक कब पहुँचे नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं खेलूँ तो हम सेमीफाइनल में भी पहुँचें, फाइनल में भी पहुँचें, तो इस तरह की मैं चाहती हूँ कि मैं और मैं अपनी टीम को जिताऊँ, वर्ल्ड कप में जिताऊँ, सीरीज़ वगैरह जिताऊँ, इस तरह के मेरे ख्वाब हैं। तो ये इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि जल्द इसको पूरा करूँ। आपकी बेहतरीन कारकर्दगी एशिया कप में पंजा मारा आपने, 5 विकेट लिए और आउट क्लास अपनी बॉलिंग का मुजाहरा किया, क्या था उस टाइम, क्या विकेट सपोर्ट की या आप में वाकई कोई ऐसा जादू है आपकी बॉलिंग में? जादू कह लें कि वैसे तो है ब्रेक, लेकिन मुझे बांग्लादेश की विकेट आपको पता है जैसे वो स्पिनिंग विकेट्स होती हैं तो वो बहुत हेल्पफुल हेल्प कर रही थी उस टाइम पे मुझे ब्रेक पे। तो बस मेरा यही था, सिंपल था कि मैंने कंटेन करना है और उस कम से कम रन देना है, जितने कम रन दूंगी तो टीम के लिए फ़ायदा है। और बस वो इस प्लान को मैं फॉलो कर रही थी जिसकी वजह से वो मुझे विकेट्स आ गई। वैसे मुझे सोचा हुआ नहीं था कि मैं T20 में 5 विकेट्स लूँगी। मम्मा जब बेहतरीन कारकर्दगी दिखाती हैं तो सबसे पहले घर से फ़ोन किसका आता है? मेरे फादर का फ़ोन आता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं उन्हें दो तीन दिन तक फ़ोन नहीं करती तो मुझे फ़ोन करते हैं कहाँ हो बेटा, फ़ोन नहीं आया इतने टाइम से। और कभी तो ऐसा होता है कि जैसे सिर्फ मैच होता है तो मैं उसी दिन फ़ोन करती हूँ कि डैडी इस दिन मैच है, देखिएगा, दुआ करिएगा। तो मुझे ऐसे ही कभी बोलते हैं कि हाँ अब आज मैच है ना इसीलिए कॉल आ गई है तुम्हारी, अब कल मैच है तो दुआ करने के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है। पहली मरतबा आपने ब्लेजर पहना पाकिस्तान का, उस टाइम क्या दिल में क्या ख्याल था आपके? बस मेरा ये था कि मैं ये अपने बस जल्दी से ये मैं जाके फ़ोन करूं अपने घर वालों के और अपनी जो मैंने पिक्चर खींची थी उन लोगों से शेयर करूं, क्योंकि मुझे तो थी खुशी लेकिन मैं अपने पेरेंट्स से भी शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं कि वो मुझे TV में देख के और दुआएँ करना ये सारी चीज़ें। तो बस उनसे मैंने बस फौरन शेयर करना था, मुझे ये इसकी ज़्यादा खुशी थी। कोई ऐसा वाकया जो रुनुमा हुआ उस सफ़र के दौरान आपका, टीम के साथ रहती हैं पूरी दुनिया में सफ़र करती हैं? जी एक वाकया बहुत फनी भी कह लें और वैसे भी कह लें कि ऐसा था कि सेकंड टूर था मेरा, तो उसके बाद हम लोगों ने वर्ल्ड कप में जाना था। तो ऐसा हुआ था कि हमारी पहले बायलैटरल सीरीज़ थी, तो जो बायलैटरल सीरीज़ थी ना उसकी किटें मैं पाकिस्तान में ही भूल गई थी और जो वर्ल्ड कप जो बाद में था उसकी किट मैं ले गई थी। तो ये थोड़ा फनी मोमेंट भी कहने तो, लेकिन शुक्र है उस टाइम मैं बहुत घबरा गई थी, मैंने अपनी कैप्टन से बात करी कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिएगा, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो खैर वो फिर मैनेजर ने भी फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा था कि फिर एडजस्टमेंट कर ली थी मैंने एमन अनवर की शर्ट पहन के, वो अपना डेब्यू मैच खेला था। अच्छा, यानी कि आपने डेब्यू मैच भी अपनी शर्ट से नहीं पहन के खेला तो ऐसा हुआ था। ओ मामा, एशिया कप इंडिया के खिलाफ मैच और पाकिस्तान जीत जाता है, आपको तो पता है इंडिया से मैच किस तरह का होता है, उसमें गूस बम्स और हर मूवमेंट ऐसा होता है कि बस कुछ होने वाला है, या मतलब बहुत हाई फीलिंग्स होती हैं। तो वो जीत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हम बहुत आप कई साल से आप देख लें तो हम कोई बड़े इवेंट में इंडिया से जीते नहीं थे, तो वो जीत हमारे लिए इतनी थी कि बस मैं आपको अल्फाज में नहीं बसा सकती, लेकिन वो ऐसी थी कि जीत के बाद एक आंसू से आ गए थे आंखों में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट जीत थी हमारे लिए। अच्छा मैं, कौन आपका जो है ना फेवरेट खिलाड़ी है, किसे आप जो है ना फॉलो करती हैं? विराट कोहली मुझे बहुत पसंद है और बाबर के बैकफुट पंच मुझे बहुत पसंद है, इवन उनकी ड्राइव्स भी मुझे बहुत पसंद है। ये दो खिलाड़ी हैं जो मुझे बहुत पसंद है। म्यूजिक में क्या पसंद करती हैं, कुछ गुनगुनाती भी हैं आप? जी आजकल आपको पता होगा पसूड़ी बहुत कॉमन है गाना, वो बहुत पसंद है, और आपदा परवीन का वो जो झूम है वो भी बहुत पसंद है मुझे। गाते गाते रहते हैं लेकिन इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है। टीम में डियाना बेक वो बहुत शौकीन है डांस की और गुनगुनाने की, और जवेरिया खान उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। तो ये कुछ लोग हैं जिनके साथ हमारी गैदरिंग बहुत अच्छी रहती है जब इस तरह के कुछ होता है। तो
डियाना भाई बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे, आप वो लाइफ में भी बहुत एक्टिव है तो वैसे भी बहुत एक्टिव है। तो आप अपना सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करती हैं या बस क्रिकेट पे ज़्यादा ध्यान देती हैं? नहीं नहीं यूज़ करती हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा फोकस क्रिकेट ही है, साथ में सोशल मीडिया भी चलता ही है। ठीक है, तो ये थी उमेमा सुहेल जिन्होंने हमें जियो को टाइम दिया, बहुत शुक्रिया उमेमा। अब हम चलते हैं उमेमा की फैमिली की जानिब और उनसे बात करते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं उमेमा के हवाले से। जी बिल्कुल, ईद का दिन है और उमेमा के घर ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। वालिद साहब सुहेल अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब पहले तो ये बताइए कि उमेमा एक बासलाहत क्रिकेटर है, माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है, कितना प्राउड महसूस करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने यहाँ तक उसको पहुँचाया। इसकी अपनी मेहनत भी है और स्कूल के ज़माने में जब थी तो 13 साल की थी तो उनके सर आए थे स्कूल के कोच के, आपकी बेटी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है। तो मैं देखने लगा, मैंने क्रिकेट खेलती है तो खैर जब चले गए थे, मैंने बोला मैम क्रिकेट क्या बैडमिंटन इंडोर गेम को खेल लो। फिर दोबारा सर आए, कहने लगा अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड सलाहियत दे रखी, आप देख लीजिए। जब मैं देखने गया इसको फ्रंट फुट बैक फुट, इसका कवर पे शॉट मारना और मिड ऑफ पे इसने कैच पकड़ा, बड़ा खूबसूरत कैच पकड़ा, तो फिर उस हिसाब से हिम्मत हुई भी मेरी, मैंने नहीं ये जाती है, अल्लाह ने इसको गॉड गिफ्टेड सलाहियत दे रखी है तो उस तरीके से इसको खेलना चाहिए। इसको भी शौक़ काफ़ी था तो इसके साथ फिर इधर चले जाना, कभी इस ग्राउंड में कभी उस ग्राउंड में, लू चल रही है कभी बारिश हो रही है, अब लाजिम बात है ये शौक इस तरीके का था। यानी कि उमेमा के पीछे जो तगदो थी वो आपकी थी और आप हर जगह ग्राउंड पे ले जाया करते थे, एक बाप होने के नाते बड़ी मेहनत किया आपने अपनी बेटी के साथ, ये तो फ़र्ज़ होता है बच्चों के साथ करना, लेकिन कहाँ आपने देखा, कहाँ सोचा कि भाई अब मैं थक गया, अब मुझसे नहीं होता उमेमा, अब तुम खुद ही कर लो कुछ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब ये काफ़ी खेलने लगे इंटरनेशनल जाके सब कुछ करने तो बड़ी खुशी हुई, सारी मेहनत मेरी तमाम मेहनत वालदा की इनके सबकी वसूल हो गई, भाई की इनके सबकी वसूल मेहनत हो गई, अल्लाह का शुक्र इन्होंने मुकाम बनाया अपनी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह, तो बड़ा हिम्मत भी बड़ी फिर उसके पास बहुत अच्छा रहा इस तरीके। आप तो बचपन से बहन के साथ खेलते भी हो, क्रिकेट के हवाले से किस तरह क्रिकेट में जो है ना आप देखा होगा गली में किस तरह खेलते थे, किस तरह उनका शौक बढ़ा? बचपन में उनमें ये शौक़ था कि मतलब लड़कों के साथ हम सब साथ मिलके खेलते थे, टूर्नामेंट वगैरह खेलना और फिर छक्के मारना, बॉलिंग भी कराना, और मतलब बचपन से शौक़ था इनमें ना, और लड़कों को भी आउट करना और फिर छक्के भी अच्छे खासे मारती थी, तो ये सब शौक़ था। ठीक है, कहाँ घुमाने फिराने लेके जाते हो बहन को जब वो होती हैं घर पर? बस हम तो वेट कर रहे होते हैं कि जब कब ये टूर्स आएंगी, फिर जब टूर से आती हैं तो हम लोग जाते हैं कुछ कहीं अच्छी जगह खाने पीने, तो बस जो ये रेस्टोरेंट बोलती है फिर हम वहाँ जाते हैं। जी हाँ, बातचीत चल रही है, उमेमा के घर मौजूद है और किचन में उमेमा क्या कर रही हैं हम दिखाते हैं, बहुत मसरूफ लग रही हैं उमेमा किचन में आप। नहीं मैं तो आप लोगों को बस जूस सर्व कर रही हूँ, बनाना वगैरह मुझे इतना कुछ आता नहीं मैं। अच्छा ये बताएं कि कितना सपोर्ट करती हैं किचन में अम्मी के साथ बहन के साथ? कभी कभार जब मैं घर में होती हूँ तो मैं सपोर्ट कर लूँ, जैसे रमज़ान गुजरे तो उसमें मैं पकौड़े फ्राई वगैरह और फ्रूट चाट वगैरह के काम कर लेती हूँ, इस तरह के हेल्प वगैरह हो जाती है। तो ये आपने किस चीज़ का जूस बना के पिला रही हैं आप? ये ऑरेंज जूस है जो मैंने आज आप लोगों के लिए खुद अपने हाथों से बनाया है और आप लोग को सर्व कर रही हूँ। इतनी जूस बनाया है, बहन भी आपकी मौजूद है, ये बताइए कि जब उमेमा नहीं होती तो आप क्या करती हैं? जब उमेमा नहीं होती तो मैं अपनी चीज़ों में बिज़ी होती हूँ, लेकिन उमेमा की बस कुछ कुछ चीज़ों में थोड़ी बहुत याद आती है, जैसे कि कहीं आना जाना हो तो वो ईज़िली पिक एंड ड्रॉप कर लेती है, कहीं से ले लेती है, शॉपिंग पर लेकर चल देती है, तो हाँ मैम अपने पास से शॉपिंग करवा देती है, इस चीज़ में मुझे फ़ायदा हो जाता है। एक्सीलेंट, उनके रूम शेयर करती हैं उमेमा का? जी जी रूम शेयर भी करते हैं, और थोड़ी बहुत लड़ाई भी होती है कि कभी मेरा सामान ज़्यादा मैं अपना रख दूँ ड्रेसिंग पे तो चिल्लाती है ये हटाओ ये हटाओ ये क्या कर रहा है। यानी कि उनकी गैर मौजूदगी में आप उमेमा का रूम ख़राब करती हैं? नहीं, जब उमेमा नहीं होती बल्कि ज़्यादा क्लीन होता है, जब उमेमा होती है ना कुछ ज़्यादा ही मेस्टअप कर देती है। ज़रा दिखाएंगे आप कितना क्लीन कर? आइए आइए उमेमा का रूम देखते हैं और कितना क्लीन करती है, कितना काम करती है छोटी बहन, दिखाइए आइए।
अलीना, ये तो बहुत खूबसूरत आपने सजा के रखा हुआ है उमैमा का कमरा। जी, ये उमैमा की कुछ पिक्चर्स हैं जो उसकी फ्रेंड्स के साथ हैं, कुछ फैमिलीज के साथ हैं, कुछ स्कूल फ्रेंड्स के साथ हैं, तो कुछ क्रिकेट की फ्रेंड्स के साथ हैं, ये सारी हैं। तो ये याद दहानी के लिए आपने लगाई? बस हर वक्त मुझे नजर आती रहे अपनी बहन। नहीं, वो जब आती है ना उसको देख देख के थोड़ा बहुत हो जाता है, जब वो नहीं होती तो उसकी याद आती है, जब वो आती है तो बस अब कब जाओगी तुम। अच्छा, कितनी लड़ाई होती है आपकी उमैमा से? हमारी लड़ाई नहीं होती, हमारी जैसे छोटी छोटी बातों में आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, फिर वापस एक हो जाते हैं, वापस थोड़ा बहुत आर्ग्यू करते हैं, कुछ चीज़ों पे वो एग्री नहीं कर रही होती, कुछ चीज़ों पे मैं एग्री नहीं कर रही होती। जैसे खाने पीने पे मम्मा को बोलती है कि नहीं आप ज़्यादा मतलब चिकन बनाएं, गोश्त बनाएं, तो मुझे ज़्यादा गोश्त का नहीं होता, मुझे चिकन ज़्यादा पसंद है, तो वो गोश्त का ज़्यादा कहती। तो मटन खाती? हाँ, मटन और गोश्त इस टाइप की चीज़ है। अच्छा, ये बताइए कि उमैमा जो है वो कहती हैं कि मैं बिल्कुल सादी रहती हूँ, ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं कर, सिंपल रहती है, उसे कुछ नहीं होता कि जैसे कि हम है कहीं जा रहे होंगे तो पहले से ही हम तैयारी करेंगे, मेकअप करेंगे, बाल वाल सब हर चीज़ करेंगे, इसका तो नहीं होता, ये बस डायरेक्ट हाफ एन आवर में ही तैयार हो जाता है। कि उसके पेट में तो रहती नहीं, इसका तो कुछ भी होएगा ये आके शेयर करेंगी, और मेरा ऐसा है कि मैं कभी बताती नहीं हूँ तो आना पड़ता, बताओ क्या हुआ, अच्छा तुम वहाँ गई, अच्छा ये हुआ ये हुआ, तो मैं बताती नहीं हूँ, तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो बताना ही नहीं कभी, तो इस तरह का ऐसे ही चलता रहता है। स्कूल वगैरह जाते थे हम, लेकिन ये सीनियर थी मुझसे तो वैसे, और जब क्रिकेट में जब थी तो इसको डेली थोड़ा जल्दी लेके चले जाते थे लाइक प्रैक्टिस के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, तो स्कूलिंग में हम काफ़ी इतना क्लोज नहीं थे। हम लोग साथ स्कूल में हुआ करते थे, तो ये ऐसा कुछ था नहीं, इसको शौक़ था, और अभी ये ACCA कर रही है माशाल्लाह से, इसका कंप्लीट होने वाला है, तो इसको शुरू से ही पढ़ाई का शौक़ था, और मुझे ज़्यादा क्रिकेट का शौक़ था, बस कोई सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ रमज़ान में वो थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर देती है, वरना वो नहीं करती, इवन उसके नाश्ता तक मम्मा इसको बेड पर ला कर देती है। इसको नाश्ता इसके बेड पर आता है, और जब याद है मैं यही बोलती हूँ कि हाँ अब आपकी लाडली बेटी आ गई ना। उमैमा का कमरा जो है ना अलीना ने बहुत संभाल के रखा है, बहुत खूबसूरत सजा के रखा हुआ है, आप चारों तरफ देख सकते हैं कि जिस तरीके से सजाया हुआ है, ये अलीना का काम है, घर की सफाई का ज़्यादा ख्याल अलीना रखती क्या? जी, कैसे तो हो गया ना, तो साबित हो गया, ये तो दिखा दिया, पूरा रूम दिखा दिया हमें कि भाई कह सकते हैं कि अलीना का काम घर में ज़्यादा है और उमैमा का काम कम है, लेकिन दोनों बहनें हैं और दोनों बहनें बड़े अच्छे तरीके से जो है ना माशाल्लाह घर पे रहती भी हैं, इकट्ठे रह के जो है ना सारे काम कर रही होती हैं, और बहुत अच्छा एक घर में जो ईद का दिन होता है गुजारनी, और हमें भी बड़ी खुशी हुई ख़ास तौर पर सोहेल अंजुम साहब से मिल के, अली से मिल के, अलीना से मिल के, और पूरे घराने से मिल के, और ये था हमारा ईद का प्रोग्राम। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।